सुप्रभात। दिल्ली में आज हमारा छठा दिन है और आज हमारा प्लानिंग है कि हम राष्ट्रपति भवन का थोड़ा सैर करें। ये मामालिक की भी ख्वाहिश थी कि राष्ट्रपति भवन वो देखें। तो राष्ट्रपति भवन देखने के लिए हम लोगों ने राष्ट्रपति भवन म्यूजियम एंड राष्ट्रपति भवन का जो गार्डन है उसका टिकट हम लोगों ने ले लिया है। आपको पहले से टिकट लेना पड़ेगा, उसका भी स्लॉट रहता है। तो राष्ट्रपति भवन का जो वेबसाइट है उसमें से आप टिकट बुक कर सकते हैं और उसमें डेट एंड स्लॉट आपको चूज करने के लिए पूछा जाएगा, उसके हिसाब से आप जाके देख सकते हैं। और राष्ट्रपति भवन की जो म्यूजियम है उसकी एंट्री गेट नंबर 30 से होता है, लेकिन हम लोग काफ़ी ढूंढने के बाद में भी हमें गेट नंबर 30 नहीं मिल पाया। कम से कम उसी जगह का हम लोगों ने 4-5 चक्कर लगाए, फिर जाके हमको गेट नंबर 30 दिखा और फाइनली हम लोग एंट्री लेके राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम में देखने के लिए जा पाए। कड़ी मुशक्कत के बाद में हम लोग आखिर राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम में एंट्री कर चुके हैं। ये राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम में जैसे ही एंट्री करोगे आप, ये विक्टोरिया कोच आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि जो ब्रिटिश का जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो लोग यूज करते थे। और पार्टीशन के बाद में ये इंडिया के साथ में आ गया था, मतलब भारत को ये मिल गया था। उसके ठीक सामने आपको एक मर्सिडीज़ दिख जाएगी। ये भारत के जो पुराने जो राष्ट्रपति है उन लोगों ने इसको यूज किया था। और लास्ट में जो है प्रणब मुखर्जी साहब के बाद में से ये गाड़ी रिटायर्ड हो गया और ये म्यूजियम में आ गया है। यहाँ पे भारत के संविधान की एक प्रति आपको देखने के लिए मिल जाता है। और जो इंडिपेंडेंस का वार का कुछ दृश्यों को यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया गया है इस चित्र के माध्यम से। ये दांडी यात्रा का यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह रखा गया है जो कि, और ये किचन का सेटअप है राष्ट्रपति भवन का। महात्मा गांधी जी के लिए समर्पित एक कक्ष, उनका कुछ व्यवहारिक सामान इसमें रखा गया है। काफी खूबसूरती से सारे चीजों को यहाँ पे संभाल के रखा गया है। ये भी एक बोगी है जो कि उस टाइम अंग्रेजों के जमाने में यूज होता था। ये भारत के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति उनके प्रतिमा है, दोनों आमने सामने हैं, इस तरफ और उस तरफ हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी का जो रामनाथ कोविंद, और ये नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जब ही शपथ लिए थे उसका दृश्य। भारत के राष्ट्रपतियों के द्वारा व्यवहृत कुछ सामान, ये गांधी इरविन पैक्ट का एक प्रतिबिंब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। गोल टेबल बैठक, मीटिंग बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया, हमने इतिहास में इसको गोल टेबल बैठक के नाम से पढ़ा था। टेबल भी आपको राउंड मिल जाएगा, गोल टेबल है यहाँ पे।
दिख रहा है ये चांदी का है, वक्त के साथ में इसका रंग काला हो गया है। ये भी एक बोगी जो अंग्रेजों के साथ में था, बाद में भारत को मिल गया। राष्ट्रपति भवन का एक फोटो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है दूर से। ये कुछ बर्तन और सामान जो राष्ट्रपति भवन में यूज हुआ था पहले कभी, आज के दिन में इसको शोकेस में रख दिया गया है लोगों को देखने के लिए। ये एक किचन का सेटअप है और यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। सारे चीज़ों को एकदम संभाल के रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरती से। यहाँ पे एक बहुत पुराना कालीन आपको दिख जाएगा और कुछ बर्तन। राष्ट्रपति भवन म्यूजियम का दर्शन होने के बाद में आखिरकार हम लोग आके पहुँच गए हैं राष्ट्रपति भवन के गार्डन में। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गार्डन को बनाया गया है और काफ़ी ध्यान रखा जाता है। कितनी खूबसूरत देखिए, आप खुद देख लीजिए, बहुत ही शानदार। ममली गार्डन देख के एकदम खुश हो गई, बहुत ही एंजॉय कर रही थी वो। यहाँ पे आगे चलते चलते बाईं तरफ हमें कुछ फाउंटेन्स दिख गए हैं और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी बज रहा था। मैं एडिट करते समय उसको ऑडियो को म्यूट कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, इसको देख के मामाली ने बहुत एंजॉय किया। आप खुद देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है ये फाउंटेन। पानी का बीचों बीच एक सुंदर सा फव्वारा। अभी हम राष्ट्रपति भवन के जिस हिस्से में हैं, इसको मुगल गार्डन कहा जाता है। यहाँ का खूबसूरती देखते देखते से ही बनता है। बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है इस गार्डन को। तरह तरह का फूल पौधे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। लंबे लंबे लॉन्स हैं, पेड़ों को अच्छे तरह से सजाया गया है, काटा गया है। यहाँ पर भी बीच बीच में आपको फाउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे, छोटे छोटे फाउंटेन्स। यहाँ पे कुछ जगह में ट्यूलिप का भी पौधे लगाए गए हैं। ये जो फवारा आप देख रहे हैं, इसको देख के मामाली ने बहुत एंजॉय किया, बहुत खुश हो गई थी वो इसको देख के। देखिए सामने आपके सुंदर राष्ट्रपति भवन, ऊपर झंडा उड़ रहा है, मतलब राष्ट्रपति अभी राष्ट्रपति भवन के अंदर ही रहेंगे। अभी हम राष्ट्रपति भवन के रोज गार्डन में आ गए हैं। यहाँ पे
विभिन्न प्रकार के रंगों के गुलाबों के बगीचा, बहुत ही खूबसूरत। सामने एक चाइनीज़ ऑरेंज का पौधा था, तो मामाली ने पूछा, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड ऑन ड्यूटी थे उन्होंने एक चाइनीज़ ऑरेंज लाके उनको दिया और ये भी बताया कि इसको खाया तो जा सकता है लेकिन इसका स्वाद जो है ये बहुत खट्टी होती है। मामाली चाइनीज ऑरेंज को हाथ में लेके खेलते हुए, हम हमारे जो राष्ट्रपति भवन के जो गार्डन का आखिरी पड़ाव में आके पहुंच गए हैं। यहाँ पे ये समाप्त हो जाता है और अभी हम लोग राष्ट्रपति भवन के गार्डन से निकल गए हैं और मामाली को संसद भवन देखना था, इसके लिए हम संसद भवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में जो भारत का नया संसद भवन है वो देखने को मिलेगा, जो कि अभी बन के तैयार हो गया है और पार्लियामेंट का हाउस का कामकाज भी ये के सामने देखिए, ये उस टाइम पे बन रहा था, तो इसके लिए बैरिकेडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा था। ये अभी का नया संसद भवन और आगे सामने आपको दिखेगा भारत का जो पुराना संसद भवन जिसको अभी म्यूजियम बना दिया गया है। अभी यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे जो मेरी कंपनी का गेस्ट हाउस जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। कल सुबह हम लोगों का दिल्ली से निकलने का प्लानिंग है, तो आज जाके आज अभी और दिन भर में कहीं पे नहीं घूमना है, जाके लंच करनी है और पूरा आराम ही करना है, नहीं तो कल सुबह हम लोग जल्दी उठ नहीं पाएंगे और हमको लेट नहीं करना है, सुबह जल्दी उठ के निकलना है, इसके लिए हमें पूरा आराम करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आपसे इजाज़त मांगता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।